डिफरेंस बिटवीन वाली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हार्ट और लंग्स, इन दोनों के बीच में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट और बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट पंप करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में, जो कि हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने बाकी बॉडी पार्ट्स में, जो कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक एक्सेप्शन ऐसा होता है कि हार्ट में से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है वो आर्टरीज कैरी करती है, और इन आर्टरीज को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। लेकिन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करते हैं। वैसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन में और एक एक्सेप्शन भी बिल्कुल है, लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस कैरी करते हैं, और इन वेंस को बोलते हैं पल्मोनरी वेंस। लेकिन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वेंस हमेशा कैरी करते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वीडियो है वो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, जो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको और वीडियो ऐसा देखना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बी आई वी केदार यूट्यूब, या फिर साइड बी आई वी केदार, या फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो।